नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और 12 मई को वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम उम्मीदवार सियासी जोर आजमाइश कर रहे हैं और ऐसी हाई प्रोफाइल सीट बन रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जहाँ पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में हैं। क्या इतिहास वो बदल पाएंगी, क्या वो नई उम्मीदें जगा पाएंगी, कांग्रेस की वापसी करा पाएंगी, बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों से आज रूबरू हो रहे हैं हम शीला दीक्षित के साथ। शीला जी, स्वागत है आपका और जानना चाहेंगे, ऐसे माहौल में आपसे बात हो रही है जब चुनावी कैंपेन चल रहा है, मुकाबला काफ़ी कठिन बताया जा रहा है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है, बीजेपी की बात हो, आप पार्टी की बात हो, 98 की बात करें, पूर्वी दिल्ली थी तब, आप चुनाव मैदान में आई थी लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर, हालांकि उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन क्या इतिहास अपने आप को यहाँ पर पीछे घड़ी की सुइयां अगर लौटाएं तो क्या एक बार फिर वो वक्त है जब शीला दीक्षित पर यहाँ पर चांस लगाया कांग्रेस ने? देखिए, 98 का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था और 98 का समय भी डिफरेंट था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ईस्ट दिल्ली को देखा था, मैंने बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानकारी थी वहाँ पर। आज जानकारी है क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ मैं 15 साल, तो वहाँ भी जाना आना रहता था। लेकिन तो चुनौती है, हम तीन कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं तो अब तीन में क्या होता है, दो का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पर तीन का कितना होगा, ये मैं मतलब यू नो जोर से नहीं कह सकती। मालूम है मुझे, कुछ एहसास है, लेकिन एहसास कितना सही है ये नहीं है कह सकती। आप आश्वस्त नहीं है इस मुकाबले को लेकर कि लोगों का रुझान किस ओर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कांग्रेस जीरो तक पहुंच गए दिल्ली में, आप दूर हुई दिल्ली से और उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं मुकाबले से बाहर होती नजर आई, अब फिर एक बार फिर वापसी का दारोमदार आप पर सौंपा गया है, आपको लगता है ये उम्मीदें जो कांग्रेस ने आपसे लगाई हैं इनको पूरा करना बड़ी चुनौती है? ये चुनौती तो है, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगी और मुझे उम्मीद है कि मैं इस प्रयास में सफल भी होंगी। अगर मुद्दों की बात करें इस चुनाव में, क्या बड़े मुद्दे आप देख रही हैं, क्योंकि चुनावी मुकाबले में अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण राज्य का मुद्दा यहाँ पर एक बार फिर जोर शोर से उछाला है और वो कह रहे हैं कि इसके आधार पर वो वोट दें, लोग उनको चुनकर भेजें ताकि वो पूर्ण राज्य बना कर रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, सब कुछ जानते हैं, पूर्ण राज्य कौन देगा इनको, पार्लियामेंट देगी ना, अपने आप तो नहीं दे सकते, डिमांड कर सकते, हम भी डिमांड करते थे, लेकिन वो पार्लियामेंट देगी, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो एक पास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाना पड़ेगा। क्या उसके बाद में मालूम है सारी जगह लगा दिया, लोग ऐसा हर समझ रहे कि लो अब तो पूर्ण राज्य हो जाएगा, मायने क्या है पूर्ण राज्य का ये किसी को मालूम नहीं है, कोई जो आम आवाम के लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है पूर्ण राज्य क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। और ये एक तरह से जो लोग नहीं समझते इस बात को, या बहुत कम लोग जो समझते हैं, वो शायद कह देंगे कि ये लेकिन इन्होंने बोर्ड लगाए हुए पूर्ण राज्य हम दे देंगे, क्या मतलब है पूर्ण राज्य क्या, लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा जब पूर्ण राज्य मिल जाएगा। और ये तो कह रहे हैं कि ये अधूरा राज्य है, आपका वोट आधा है, उसकी पूरी कीमत करनी है, पूरा वोट उनको करना है, इसलिए पूर्ण राज्य की जरूरत है। नहीं नहीं, क्या मतलब पूर्ण राज्य से, इस वक्त का काम नहीं कर पा रहे हैं या बहाने हैं काम न करने के, मतलब ये एक बड़ा क्लेवर सा इन्होंने जुमला निकाला है, कोई लोग समझते नहीं है, जो ज़्यादातर लोग जानते नहीं कि दिल्ली में पूर्ण राज्य है या नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, क्या पता किसी को क्या है। आप सरकार चला रहे थे, मैं आप बताइए आवाम को क्या होता है, उसका जो जीवन है वो अच्छा हो, साफ सुथरी जगह हो, पोल्यूशन ना हो, और एक ऐसी सरकार बने जो रिस्पॉन्सिव हो, एजुकेशन की ज़रूरत है तो एजुकेशन पे जोर दे, अगर जो यूनिवर्सिटीज़ का ज़रूरत है यूनिवर्सिटी खड़ी करे, जो चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक, बिजली हमने ठीक करी थी, पहले तो यहाँ बिजली चार चार छः छः घंटे नहीं आया करती थी, हमने पानी को ठीक करा,
बसेस लेकर आए। ये 4-6 महीने से कह रहे हैं कि हम बसेस ला रहे हैं, बसेस ला रहे हैं, एक भी बस आई तो मतलब क्या कर रहे हैं आप? जनता भोली जरूर होती है लेकिन बेवकूफ नहीं होती है। आप कह रहे हैं गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, और हमने देखा है पहले उन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया था, अब वो पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। आपको लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर जिस तरीके से उन्होंने जोर शोर से दावे किए थे आपके खिलाफ, तो हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आपको जेल में डालने की बात होती थी, अब जब तमाम चीजें यहाँ पर बदल गई हैं, वो सत्ता में हैं, तो वो भूल गए हैं, ऐसा क्या भ्रष्टाचार पे आपको लगता है वार हुआ है, कम हुआ है या बढ़ा है भ्रष्टाचार, कहाँ पहुंचा है भ्रष्टाचार? मैं उनको जो पॉलिटिक्स मैंने सीखी है और जो पॉलिटिक्स हमारी पार्टी में होती है उनकी पॉलिटिक्स समझ नहीं आती है क्या है। और एक दिल्ली के ही तो है ना, ये कोई ऑल इंडिया भी नहीं है, बाहर शायद कहीं हरियाणा वगैरह में एक आदमी से 2 सीट्स हैं या 4 सीट्स होंगी, तो मैं उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देती हूँ। आप अपना मुकाबला किससे मानती हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी चुनाव मैदान में हैं, आप पार्टी ने दिलीप पांडे को मैदान में उतारा है, और ऐसे में मुकाबला जो है त्रिकोणीय मुकाबला, तो आप किससे मुकाबला मानते हैं? दोनों का मुकाबला है, दोनों का मुकाबला है, और बल्कि तीन हैं तो हम तीनों का, हम समझते हैं कि हम तीसरे हैं तो वो दो हैं, और वो दो हैं, एक दो तीन, हम तीसरे हैं, तो मुकाबला तो तीन जनों का है। और अगर देखें आप तो मोदी फैक्टर की बात करें, उनके चेहरे पर उनके उम्मीदवारों की बात करें, तो कहा जा रहा है कि मोदी फैक्टर है एक दिल्ली में, आप मानती हैं ऐसा होगा उनके चेहरे पर चुनाव होगा? नहीं, दिल्ली में तो नहीं ऐसा लगता है, हाँ इनके ज़रूर थोड़े बहुत वो लगे हुए हैं, यू नो तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन कोई मैंने किसी को सुना नहीं है कि वो मोदी के बारे में ज़्यादा कर रहा हो, क्योंकि जो लोकल जो चुनाव आवाम जो करती है वो अपना सोचती है कि मेरा क्या भला होगा, वो इतना ज़्यादा दूर नहीं जाती कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा या क्या होगा। लेकिन मोदी फैक्टर की काट के लिए ही कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर आप पार्टी के साथ बातचीत शुरू की थी, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, शुरू नहीं हमने करी थी, बात चली थी, बात चली थी, हाँ जी, शुरू किसी ने करी थी, और मैं कम से कम इसके हक में नहीं थी, और वो नहीं हुई, नहीं तो हमें 4 सीटें दे रहे थे या 3 सीटें दे रहे थे या 4-5 सीटें दे रहे थे, हम सातों लड़ना चाहते थे और सातों हमें मिल गई। और सातों सीटों पर चुनावी मुकाबला भी तय हो गया, सातों सीटों में कौन कौन सी सीट आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मानती हैं कांग्रेस जीत जाएगी? ये बात मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमारे लिए पार्टी के लिए सब सीटें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम सब पे लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सातों की सातों जीते। शीला जी, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ास तौर से हेल्थ के क्षेत्र में बदलाव हुए हैं, उन्होंने क्या किए बदलाव हैं, हुए? वो दावा करते हैं, दावा तो वो बहुत चीज़ों का करते हैं, क्या हुआ क्या? आप जाके देखिए ज़रा हॉस्पिटल्स में, शिक्षा में देखिए क्या, स्कूल का एजुकेशन का जो निकलता है रिजल्ट निकलता है, हम लोग वो देते थे कितना परसेंटेज है, ये परसेंटेज नहीं देते हैं क्योंकि छुपाना चाहते हैं। 15 साल के कामकाज की आपकी बात करें और उत्तर पूर्वी सीट के बात करें, तो आखिर क्या वजह है कि आपने उत्तर पूर्व सीट को चुना है अपने चुनाव के लिए? चांदनी चौक की भी चर्चाएं थी? नहीं थी, लेकिन जो हाईकमांड ने फैसला करा वो बने मान लिया। लेकिन आपका भी तो अपना सुझाव नहीं, दोनों सीटें का था, कहा जा रहा था मुझसे कि इन दोनों में से एक ले लीजिए, मैंने कहा जो आप देना चाहें। और 15 साल की बात करें, आपके कामकाज की बात करें, तो ये चर्चाएं होती हैं, शीला दीक्षित का चेहरा, मेरी दिल्ली मेरी पहचान, जो बदलाव उसकी चर्चा होती है, आपको लगता है वो वोट बैंक जो शिफ्ट हो गया केजरीवाल की तरफ उसको वापस लाने की चुनौती बिल्कुल कैसे आएगा, कहां गया वो वोट बैंक? जब आप रिजल्ट देखेंगे तब पता चलेगा आपको। कोई प्लानिंग आपकी होगी कि किस तरीके से आपको चुनाव लड़ना है, कैसे वापस लाना है उसको? हम लोगों से मिल रहे हैं, कम से कम 2-3 मीटिंग्स मैं रोज़ करती हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोगों से मिलती हूँ, यहाँ पर घर में लोग आते रहते हैं, मैं मिलती रहती हूँ, तो कनेक्ट जो है वो कर रही हूँ। अब वो कनेक्ट का क्या नतीजा होता है
इसकी इंतज़ार है। और मैं कनेक्ट इसीलिए कर रही हूँ कि लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आप अवेलेबल हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसे वक्त जब लगातार चुनौतियाँ बढ़ी हैं, चुनावी मुकाबला जो है आसान नहीं होगा। शीला जी, सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं अलग अलग, और ख़ास तौर से बीजेपी की बात करें, बीजेपी अब गठबंधन की जो चर्चाएं चली थी वो ये कह रही हैं कि ये जो लोग मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे थे वो तब गठबंधन कर रहे थे, अब अलग लड़ रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली क्यों भरोसा करें ऐसे लोगों पर? ये कोई बात कहने की है? बीजेपी को और कुछ नहीं मिल रहा अब कहने के लिए, तो यही कह दिया। इससे कोई इसका महत्व है? आवाम में क्या है? आवाम चाहती है कि हम उसको चुने जो हमारे फायदे का होगा, कि भाई ये हम काम करेगा, इसका बैकग्राउंड ये है कि है, तो उस पर वो चुनाव करती है ज़्यादातर लोग। बाकी अपने डाल देते हैं वोट, तो ये बात में मैं नहीं विश्वास करती। अच्छा, दिल्ली में वो क्या चुनावी समीकरण होगा जो इस चुनाव पर असर डालेगा? कि देखिए ना, विश्वास असर नहीं है, विश्वास है। अगर जो विश्वास हो जाता है लोगों को कि हाँ ये हमारे लिए करेंगे, तो उसी के लिए वोट डाल देते। जातिगत समीकरण और धर्म का समीकरण, ये कहा जाता है कि वो भी एक फैक्टर रहेगा। जातिगत का जरूर असर पड़ता है, और अब और भी ज़्यादा पड़ने लग गया है, लेकिन केवल वही एक कारण होता है चुनाव का, वो मेरे ख्याल में गलत फहमी है। अच्छा, ये सत्ता के गलियारों में चर्चा होती है कि कांग्रेस का वोट बैंक वापस लौट रहा है, वो वोट बैंक जो उससे दूर हो गया, केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया, तो वो वापस लौट रहा है, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। शीला दीक्षित के चेहरे की बात होती है, तो इसलिए शीला जी को आगे लाया गया। तो वो वोट बैंक जो लौट रहा है, वो कौन सा वोट बैंक है? आपको कौन सा वोट बैंक लगता है वो? देखिए, एक तो मुझे लगता है यंगस्टर्स का है, जो यंग, जो फर्स्ट टाइमर्स या सेकेंड टाइमर्स हैं, यंग हैं। दूसरा, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा कास्ट और में नहीं बिलीव करते हैं। दूसरा ये है कि एक बदलाव भी चाह रहे हैं लोग, एक गवर्नमेंट को देख लिया है, 5 साल देखा है, और उस गवर्नमेंट को फिर से ना दोहराया जाए, कोई नई सरकार, नया ग्रुप आए, नए 7 सीटें आए, वो एक माहौल बना हुआ है। शीला जी, हमने देखा है 2013 में जिस तरीके से चुनावी मुकाबला था, और उससे पहले जिस तरीके से आंदोलन खड़ा किया गया था, अन्ना आंदोलन की बात हो या फिर निर्भया कांड हुआ था, जिस तरीके से माहौल बना था आपके खिलाफ था, आपको लगता है क्या वो बड़े फैक्टर थे जो आपके खिलाफ गए? देखिए, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन वो मेरे खिलाफ नहीं था, परिस्थिति मेरे खिलाफ बन गई थी। क्योंकि कितने वो जो हुआ कांड हुआ, उस पर एक इस तरह से मीडिया ने उसको दिखाया और इस तरह से उसकी चर्चा हुई कि उससे हमें भुगतना पड़ा। केंद्र सरकार की वजह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, आपको लगता है उसकी वजह से भी आपको नुकसान? हाँ, हुआ? वो भी कुछ कारण था, 2-3 कारण थे। एक ऐसा हो गया क्योंकि एक तो हमने 15 साल राज कर लिया था, केंद्र में भी कांग्रेस 10 साल से थी, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन, लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी में बदलाव, कि भाई हो गया अब कुछ और देखो। शीला जी, पार्टी की गुटबाजी की अगर बात करें, गुटबाजी को लेकर जब चर्चा होती है तो कई तरह की चर्चाएं होती हैं। मुझे आप ये बताइए, किस पार्टी में गुटबाजी नहीं है? लेकिन आपकी पार्टी में ऐसे वक्त भी गुटबाजी दिखाई देती है जब आप चुनावी मुकाबले में हैं, ऋषभ शर्मा आपसे नाराज हो जाते हैं, 12 लोग। मैं कह सकती हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी कोई गुटबाजी नहीं है, सब काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। प्रियंका गांधी का भी रोड शो दिल्ली में रखा गया है, हाँ। क्या बदलाव आप देखते हैं? बहुत अच्छा होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। क्या इस पूरे माहौल में क्या ये कहना चाहेंगे आप कि जो लोग खास तौर से अलग अलग फैक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो दूसरे फैक्टर्स काम करें इस इलेक्शन में, तो वो लोग क्यों कांग्रेस की तरफ जाएं, क्यों आपकी तरफ क्यों ना जाएं? अरे, आज तो देश की तस्वीर आप देखते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली की, वो किसने बनाई है? इन लोगों ने तो 5 साल या 10 साल राज करा है, हम लोग के तो बाकी राज हमारा रहा है, तो हिंदुस्तान को बनाया किसने है, ये तो याद करिए।
और बदलाव की अगर बात करें, जो ये कहते हैं कि हमने इतने वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए? बिजली पानी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, ये बात आप देखते हैं केजरीवाल ने वो वादे पूरे किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं, केजरीवाल के तो मुझे वायदे नहीं समझ में आते, और दूसरा क्या किया है वो बता दीजिए मुझे। सिग्नेचर ब्रिज की बात करिए, उसका डिज़ाइन और उसको बनाया तो हमने, शुरू तो हमने किया। शीला जी, चलते चलते ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो ख़ास तौर से आप पर दांव लगाती है पार्टी बार बार, आप उत्तर प्रदेश आप गई थी, उत्तर प्रदेश से वापसी हुई आपकी, जब वहाँ गठजोड़ हो गया था समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, और उसके बाद फिर आपको दिल्ली की कमान सौंपी गई, तो ये जो भरोसा है, इस भरोसे को जो एक कहते हैं ना कि एक बड़ा भरोसा आप जगाती हैं कांग्रेस के आला कमान में, वो क्या आपके पास वो खूबी है जो आपको चुना जाता मैं है? मैं अपनी खूबी कैसे बता सकती हूँ, मैं अपने आप को तो प्रशंसा नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे मौका देती है मेरी पार्टी, उसके लिए मैं धन्यवाद उसको करती हूँ। दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगी आप? दिल्ली की जनता को क्या कहूँगी, क्या अपील करेंगी आप? मैं अपील करूँगी कि वोट कांग्रेस को दीजिएगा, जिसमें मैं भी शामिल। ये थे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, तमाम बातों पर बात करते हुए, और ऐसे में जब दिल्ली में चुनावी मुकाबला चल रहा हो, ऐसे में उनकी हाई प्रोफाइल सीट यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली पर तमाम निगाहें लगी हैं। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।